इस तरह न केवल रामायण बल्कि महाभारत में भी हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुण को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। एक दिन श्री कृष्ण अपने द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुण ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुण से कहा कि हे गरुण, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुण भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुण ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं, आपको बुला लाने की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुण से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुण ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा, खैर मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुण शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुँचकर गरुण देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुण का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए, क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा सुदर्शन चक्र व गरुण
तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, पवन पुत्र हनुमान की जय।